तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर आपके भी मोबाइल में पिंग इश्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, फ्री फायर खेलने में लैगिंग इश्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो में आप उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो कुछ सेटिंग है जो आप सभी लोगों को शेयर करने वाला हूँ और कुछ ट्रिक है जो आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, और मेरे चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, कौन सा सेटिंग है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ और आप सभी लोग को दिखाता हूँ कि वो कौन सा सेटिंग आप सभी लोग को ऑन करना है, जिससे कि आपका नेटवर्क इशूज 100% सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप फ्री फायर आराम से खेल पाएंगे। तो भाई लोग, मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप सभी लोगों को जो सिम कार्ड और मोबाइल डाटा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। और जैसे ही चले जाएंगे तो आप सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है कौन से सिम में यूज कर रहे हैं डाटा। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का एक आएगा, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले जैसे ही आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी लोगों को नेम पे डाल देना है, यहाँ पे जियो 4G, जियो 5G कुछ भी, मतलब आप सभी लोगों को जो भी, तो आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, जियो 4G चल रहा है या फिर 5G चल चुका है, तो यहाँ पे जियो 4G 5G कुछ भी लिख देना है। और यहाँ पे नीचे वाले APN में लिख देना है जियो नेट। जैसे ही जियो नेट लिख देंगे तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है, पूरा हो चुका है। और यहाँ पे क्लिक कर देना है राइट पे। जैसे ही राइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक न्यू आ जाएगा, तो जो न्यू आपने बनाया है तो उस पर सिलेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट कर देने के बाद आप सभी लोगों को बैक चले जाना है, और बैक चले जाने के बाद और एक सेटिंग आप सभी लोगों को करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सेटिंग क्या है भाई लोग, यहाँ पे सर्च बार पे चले जाना है और यहाँ पे आप सभी लोगों को ऐप लिस्ट सर्च कर लेना है। ऐप लिस्ट जैसे ही आ जाएगा तो ऐप लिस्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है थोड़ा, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पे लोडिंग जैसे ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे सर्च बार, फिर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे और सर्च कर लेना है आपके अपने गेम फ्री फायर सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्री फायर मैक्स मेरा लोडिंग है। तो यहाँ पे स्टोरेज यूसेज में चले जाना है। जैसे ही आ जाएगा स्टोरेज यूसेज में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे क्लियर कैच जो शो कर रहा है उस पर क्लिक कर देना है, क्लियर कैच कर देना है आप सभी लोगों को। तो जैसे क्लियर कैच कर देंगे तो आप सभी लोग का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। तो जैसे बैक करेंगे तो आप सिंपली से आप सभी लोग को अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। एक बार रिस्टार्ट जैसे ही कर देंगे तो आपका सब कुछ सेट हो चुका है और गेम आसानी से फिर आप सभी लोग को गेम को ओपन करना है और खेलना है। तो जैसे ही खेलेंगे तो आपका नेटवर्क इशूज गायब हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।